नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी मेघा मेरे साथ मौजूद है। यही बातचीत करने वाले हैं कि क्या अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस का बद से बदतर हालत हो जा रहा है। हर नेता अपने आप को बागी बनते नजर आ रहे हैं और नंबर बटोरने में लगे हुए हैं। आज ही थॉमस जो है उन्होंने सोनिया गांधी को धमकी दे दिया। मैंने जैसे कि अभी एक स्टोरी कर आपको बताया था कि सोनिया गांधी को जो करना है कर लो, लेकिन हम मुझे जो मर्जी आएगा करेंगे। तो इस तरह के बयान है, इसका क्या मतलब है? दूसरा ये भी कि आखिर हार के बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी जो खबरें आ रही है, क्या फिर से उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा? तमाम तरीके के जो ड्रामाबाज हो रहे हैं, इन सबको देखकर क्या उन्हें इस्तीफा दे देने चाहिए? G23 के भी नेता जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि गांधी परिवार को कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि क्या वक्त आ गया है सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या उन्हें खुद लगता है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अब पार्टी की कमान या तो राहुल गांधी को दे देनी चाहिए या फिर प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए संभालने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी को लेकर देखें तो 5 इलेक्शन हुए, 5 राज्यों में वो कहीं नहीं दिख रही है, ना रैली में दिख रही है, ना ग्राउंड लेवल पर जाकर दिख रही है। बस सिर्फ सोशल मीडिया पर और एक रैली कर देने से नहीं होता है, आपको जनता के बीच उतरना पड़ेगा। वहीं आप दूसरी तरफ कंपैरिजन में देखिए तो मोदी को देख लीजिए, आप अमित शाह को देख लीजिए, जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होता है वो बढ़ चढ़ के उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है या तो उनकी हेल्थ इशू भी है, इस वजह से भी वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान में आपने तो बहुत अच्छी बात है कि इस्तीफा देते क्यों नहीं है, इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं आप? जिस तरह से देश के पीएम गोल गोल लोगों को घुमा रहे हैं, आप भी वैसे ही कर रहे हैं। एक विपक्ष का काम है लोगों की आवाज को उठाना, मुद्दे उठाना, ये तो आप अपने परेशानियों से नहीं उभर पा रहे हैं, तो लोगों की परेशानी क्या करेंगे? देते क्यों नहीं, ये समझना। आपने क्या ये वजह क्या है, रीजन क्या है कि क्यों नहीं दे पा रहे? रीजन यही है कि वो देना, देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर उसकी कमान किसके हाथ में देना वो उसके लायक भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक लायक कैंडिडेट को ढूंढने की कोशिश कर रही है और इस वजह से देरी हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उनका कहना था कि वो किसी और को पार्टी में दे। इस बार प्रियंका गांधी को भी इलेक्शन में उतारा गया, तो उनकी भी जिम्मेदारियां और उनका किस तरह से प्रदर्शन रहा, इस सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही है कि सोनिया गांधी एक समय ले रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो समय लेकर इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। लेकिन ये भी तो है कि आज गांधी परिवार जो है कांग्रेस को खुद ही बर्बाद कर रही है। हार के बाद आप यूपी में, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष का आप इस्तीफा मांगते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होता है, जय कुमार लल्लू का इस्तीफा होता है, अब फिर प्रियंका गांधी जो उसकी प्रभारी थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो इस्तीफा नहीं देती। तो आप तो दो नजरिया काम आप तो खुद करते हैं, तो फिर इसके बाद आप जिम्मेदारी को खुद नहीं लेते, प्रियंका गांधी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? जी देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने पूरी कोशिश की, यहाँ पर पार्टी इलेक्शन में देखा उनका कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है, रैलियां उन्होंने पूरे बढ़ चढ़ के की, भले ही पार्टी नहीं जीत पाई, तो यहाँ पर सीधे एक आदमी के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से वो इस्तीफा नहीं मांगा गया, क्योंकि इस बार वो पहली बार जो थी वो इतनी एक्टिवली वो इलेक्शन में उतरी है। तो मुझे लगता है उन्हें 2-3 मौके और दिए जाएंगे, और इस वजह से मुझे लगता है कि अभी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। 2014 के बाद मेघा बद से बदतर हालात होते रहे हैं, खास करके कांग्रेस के, उसके बाद ठीक होता दिख नहीं रहा। क्या मैं मान लूं कि आज गांधी परिवार के वजह से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसका जिम्मेदार भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है? जी देखिए, सिर्फ गांधी परिवार को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पूरी पार्टी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, हर जगह गांधी परिवार नहीं जाता है, हर स्टेट में नहीं जाता है, हर स्टेट की कमान जो होती है वहां के CM, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, इन सब के ऊपर सौंप दी जाती है। वहीं आप पंजाब की बात ले, पंजाब में जो सिद्धू ने किया, क्या इसके जिम्मेदार भी सोनिया गांधी है? उन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी की कमान उन्हें थमाई, अब वही दगा दे जाते हैं, तो इसमें तो सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई चुनती क्यों है? आपने जब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा उन्होंने करवा दिया, जब आप एक बार उनसे सीख ले ही लिए, एक बार उन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया, फिर आप ही ने उनको फिर जो है अध्यक्ष पद बना दिया, तो फिर गलतियां तो खुद ही कर रहे हैं ना। जी देखिए, यहाँ पर एक कहते हैं ना, देखिए सिद्धू बहुत अच्छे यहाँ पर दावेदार माने जा रहे हैं, तो इस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जता रहे हैं। माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, जब वो अच्छे दावेदार माने जा रहे थे ना, अपना सीट बचा पाए कांग्रेस की तो बात की छोड़ दीजिए, कैसे दावेदार माने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंजाब में सिर्फ सिद्धू जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में चिन्नी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पंजाब की जो हालत रही है, जनता उनसे खुश नहीं थी, इस वजह से सिर्फ सिद्धू पर ये मत देना कि आपकी पूरी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। चन्नी के साथ भी यही हुआ था कि उन्हें पूरी कमान
दी गई थी, पूरी छूट दी गई थी, फिर भी वो पंजाब में काम करके नहीं दिखा वो दिखा पाए, पंजाब के जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं वहां के लोगों की गलती, वहां के जो नेता है उनकी गलती है। पूरे ब्लेम जो है गांधी परिवार पे डाल देना मुझे नहीं लगता सही, और सिर्फ सोनिया गांधी अकेले डिसीजन नहीं लेती, वो सलाह मशवरा करके 10 लोगों की सहमति होती है तब वो किसी चीज को वो आगे बढ़ाती है। तो मुझे लगता है सिर्फ एक व्यक्ति किसी पार्टी को नहीं चला सकता, वहां पे बेशक बहुत सारे लोग होते हैं सलाह मशवरा के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ गांधी परिवार जब भी कुछ हार हो, जब भी कुछ कांग्रेस ब्लेम हो तो उनके मत्थे नहीं मर देना चाहिए, बाकी लोग भी है उनका भी काम देखना चाहिए, उनका काम देखना चाहिए। इस्तीफे के बात को लेकर आपने मेघा बता दिया, आज शरद यादव से जो बिहार में नेता हैं उनसे आज राहुल गांधी मिलते हैं, उन लोग भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। 2019 में उन्होंने हालांकि चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो घूम फिर के जो ड्रामा चलता है, जो देखने को मिल रहा है, वो तमाम गांधी परिवार की ही मुश्किलें, कभी राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं फिर कभी उन्हीं की आवाज उठती है, युवा कांग्रेस जो है उनके अध्यक्ष श्रीनिवास उनके तरफ से भी जो है आवाज उठती है कि राहुल को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्या लगता है अगर कांग्रेस में भी 10 लिस्ट में नाम देखा जाए नेताओं का तो सबसे पहले राहुल गांधी का ही आता है, सोनिया गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपने पद को नहीं छोड़ रही है, राहुल गांधी को लेकर मांग उठ रही है कि उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है हु इज बेस्ट? जी देखिए मेरे हिसाब से देखिए जब तक सोनिया गांधी है वो बहुत चीजों पर विचार विमर्श कर रही होगी कि अगर राहुल गांधी को पद दिया जाता है तो क्या पार्टी और जनता उनसे खुश रहेंगी कि नहीं, या उसके अलावा प्रियंका गांधी को अगर पद मिलता है तो क्या वो किस तरह से पार्टी को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी स्टार्टिंग से है पार्टी के साथ और फिर भी वो पार्टी को वो जीत हासिल नहीं दिलवा पाए हैं अभी तक, ऐसी कुछ मुकाम जो है उनके कार्यकाल में मुझे लगता है पार्टी ने हासिल किया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो है अभी भी वक्त ले रही है, सोच रही है क्या राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की कमान दे देनी चाहिए, क्या वो इस तरह से लीड कर पाएंगे। देखिए एक लीडरशिप क्वालिटी सोनिया गांधी में दिखती है, वही चीज वो ढूंढ रही है आगे की, और जैसा देखा गया कि पार्टी में किस तरह से पहले इंदिरा गांधी ने पार्टी को चलाया फिर सोनिया गांधी इतने सालों से चलाती आ रही, तो मुझे लगता है ये देखते हुए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का पलड़ा भारी लग रहा है, और मुझे लगता है अभी कांग्रेस के लिए बेस्ट जो है वो प्रियंका गांधी है, जिस तरह से वो यूपी इलेक्शन में उतरी है, जिस तरह से उन्होंने दमखम दिखाया यूपी इलेक्शन में, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बात किया, तो मुझे लगता है भले वो चुनाव हारी लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है, तो कांग्रेस को संभालने के लिए मुझे लगता है प्रियंका गांधी सही रहेंगी। 2000 आखिरी सवाल की रुख कर रहा हूं मेघा, और यही जानने की कोशिश करूंगा कि 2014 के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, मोदी के आंधी में कांग्रेस भी जो है उड़ गई है, आपको लगता है कि लगभग 8 साल होने जा रहे हैं 2024 तक अगर ले लिया जाए, आपको लगता है कि कांग्रेस उस आंधी में वापस कर पाएंगे, पीएम मोदी का यानी बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, कोई भी एंगल आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस में, कोई उम्मीद है? जी देखिए उम्मीद बिल्कुल है, बहुत 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 अच्छे अच्छे नेता है कांग्रेस में, उन्हें थोड़ा आगे लेकर आना पड़ेगा सोनिया गांधी को, एक अच्छे लीडर की कमी है वो एक पॉइंट रहेगा, अगर वो एक अच्छा लीडर ढूंढ लेती है अपने पार्टी के लिए, जो पार्टी को देखिए क्योंकि मोदी बीजेपी को मोदी मिल गया और उस लहर में देखा गया पूरा देश साथ साथ चल गया, तो यहाँ पर भी कांग्रेस को एक ऐसे स्ट्रांग लीडर की जरूरत है जिसके पीछे पीछे पूरा देश चले, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक लीडर ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो एक्सपीरियंस नेता है, उन्हें आगे लाना पड़ेगा, साथ ही युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर अगर पार्टी काम करेगी तो बेशक चांसेस हैं उनके जीतने के। उम्मीद पे दुनिया कायम है ऐसा कहावत है और कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर न उम्मीद है और न ही नीति है न नियत है, क्योंकि सब लोग अपने नंबर बटोरने में लगे हुए हैं और अपनी वाहवाही करने में लगे हुए हैं, यही वजह है कि कांग्रेस आज कमजोर पे कमजोर होती जा रही है। फिर भी देखते हैं कि 2024 से पहले क्या कांग्रेस मजबूत होती है और अध्यक्ष पद पर क्या कोई बदलाव आता है। आज राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की मांग हुई है, देखना होगा कि क्या उन्हें चुना जाएगा या किसी और को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतने बाय, खबर देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।